एसडीओ राकेश कुमार ने लोकसभा चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों को किया सम्मानित। तीघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तीघड़ा बेगूसराय। तीघड़ा 25 जून अनुमंडल पदाधिकारी तीघड़ा राकेश कुमार द्वारा लोकसभा चुनाव में 143 तीघड़ा विधानसभा क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले पदाधिकारी को अटल कलम भवन तीघड़ा के सभागार में मंगलवार को सम्मान समारोह आयोजित कर उन तमाम पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने अनुमंडल अवर निर्वाचन पदाधिकारी ओनम कुमारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामोदय महतो, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तीघड़ा राकेश कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बरौनी पंकज कुमार, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अमरेश कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय शोकाहारा गाछी टोला के प्रधानाध्यापक आशुतोष मिश्रा, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय ताजपुर आधारपुर के प्रधानाध्यापक शमशेर आलम, मध्य विद्यालय दीनदयालपुर पोखर के प्रधानाध्यापक संजय कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय संस्कृत हरिहरपुर के प्रधानाध्यापक शशि कुमार पवन, शिक्षक रंजन कुमार, पवन कुमार साह, श्याम सुंदर साह, सुधीर कुमार पंडित, कार्यपालक सहायक अभिषेक कुमार पांडे आदि को सम्मानित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को मतदाताओं के लिए सरल बनाए रखने के लिए सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को लगन और निष्ठा से काम करना होता है। इस बार हुए लोकसभा चुनाव में 143 विधानसभा के किसी भी मतदान केंद्रों में कहीं भी पुनः मतदान कराए जाने की आवश्यकता नहीं हुई और न ही किसी प्रकार की शिकायत प्राप्ति हुई। उन्होंने ड्यूटी संपन्न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस बार की चुनावी प्रक्रिया में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी भी कार्यालय स्तर पर लगाई गई थी, जिसे महिला कर्मचारी द्वारा बखूबी निभाया गया। आगे श्री कुमार ने कहा कि प्रखंड के सभी कर्मियों के सहयोग के बिना शांतिपूर्वक चुनाव करवाना बहुत ही मुश्किल था। आप सभी के मेहनत और प्रयास से तीघड़ा प्रखंड में मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा। कुछ महीने बाद फिर से विधानसभा का चुनाव की प्रक्रिया होगी, इसमें हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य का पालन करना है। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार एवं अन्य अधिकारियों व कर्मियों के अलावे शिक्षक मास्टर ट्रेनर अमामुल हकादी मौजूद थे।